अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जी, एक बायोमेट्रिक डिवाइस है जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं सेशन कोड में। यहाँ पर ये डिवाइस हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये आपके सामने। इसका मॉडल मैं आपको बताता चलूँ, MB20 मॉडल है इसका। तो ये डिवाइस है जी, ये इसके कुछ इन्होंने फीचर वगैरह बताए हैं इसके अंदर। और ये डिवाइस यहाँ पे इसके साथ जो हमें मिलेगा, एक अदर अडाप्टर, कुछ केबल्स हैं और इसके साथ स्क्रू ड्राइवर भी हैं इसके साथ अटैच होंगे। और ये हमारा इसका स्टैंड है जो कि वॉल माउंट किया जाएगा। आए आपको नेक्स्ट इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं कि इसके अंदर हम यूज़र ऐड कैसे कर सकते हैं। यूज़र ऐड करने का तरीका बहुत आसान है, जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। ये इंतहाई आसान तरीका है इसका। इसके अंदर से एक अदर कार्ड भी निकलता है जो कि इसके अंदर मैंने वो पीछे रखा हुआ है, तो कार्ड भी आपको दिखाऊंगा ना। और वो कार्ड के ज़रिए भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी यूज़र ने एक्सेस लेनी है तो वो अपना कार्ड लगाएगा, उसके बाद वो उसकी एंट्री हो जाएगी। आए इसको आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी डिवाइस हमने इंस्टॉल कर ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर यूज़र ऐड करने का तरीका कर मैं आपको दिखाता हूँ। आए आपको इसके अंदर यूज़र ऐड करने का तरीका कर बताऊँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा ओके मेन्यू का बटन है, ये इसके अंदर हम इंटर हो गए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूज़र मैनेजर। यूज़र मैनेजर में हम जाके इंटर करेंगे। तो इंटर होने के बाद यहाँ पे हमारा आ रहा है न्यू यूज़र। न्यू यूज़र का तरीकाकार है, हम यहाँ पे इसे ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमें यूज़र आईडी दे देगा। यूज़र आईडी के बाद हम इसे नीचे लाएंगे, इसका यहाँ पे आ जाएगा यूज़र रोल। यूज़र रोल के अंदर इसका होगा यूज़र, नॉर्मल यूज़र आ जाता है। इसके अंदर सेकंड आ जाएगा सुपर एडमिन। सुपर एडमिन का मतलब है कि अगर हम एक बंदे को सुपर एडमिन या दो को तीन को जितने भी बना सकें, उसके अंदर ये होगा कि उसके अलावा कोई आके ये डिवाइस को ओपन नहीं कर सकेगा। सेकंड हम आ जाए जी, इसे हम फिंगरप्रिंट के ज़रिए ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ, जैसे कि मैं अपने आप को इसके अंदर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने फिंगरप्रिंट पर किया ओके। ये हम कोई भी अपनी फिंगर इस पर लगाएंगे तीन दफ़ा, एक दो तीन, ये ओके हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर अपना फेस ऐड करेंगे, जो कि फेस ऐड करने का तरीका का बिल्कुल इसके नीचे दिया गया है। यहाँ पे करके हम ओके करेंगे। यहाँ पे उसने फेस की ऑप्शन दे दी, यहाँ पर हम यहाँ पे अपना फेस ऐड करने लगे। ये हमारा फेस भी ऐड हो गया। लें ये अब आपको मैं करके दिखाता हूँ, अपने टेंडस लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये मैं फिंगर पर लगाता हूँ, ये इसने ओके कर दिया। अब मैं अपने फेस से लगाऊँगा, ये हमारा फेस से ओके होगा। अब यहाँ पर आपको आगे दिखाता हूँ मैं अपने PC पर हमने इसे कैसे ऐड करना है। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं PC पर। जी, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर, जो कि मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया हुआ है। वो आपको सॉफ्टवेयर में अपने डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होता है। तो यहाँ पर अब हम ये डिवाइस जो हमने इंस्टॉल की है, ये इसे इंस्टॉल ऐड करने के लिए हम इसे जाएंगे इसके मेन्यू में। यहाँ पर जब डिवाइस को हम क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो ऐड डिवाइस के ज़रिए हम इसका नेम रख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेशन कोड में हूँ। तो
यहाँ पर मैं ऊपर इसका सेशन कोड ही मेंशन करूँगा। उससे पहले मैं आपको इसका आईपी डाल के इसको कॉन्फ़िगर करके बता देता हूँ। तो आईपी जो इसका मैंने डिवाइस का रखा था वो मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ पर अब मैं सेशन कोड यानी कि इसका जो डिवाइस नेम है वो इसको सेशन कोड देंगे। तो यहाँ पर सेशन कोड देने के बाद इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसके मेन्यू में ऐड हो जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पर मैं ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हो गया सिस्टम। तो इसे मैं अभी ऐड करता हूँ। ये सेव हो रहा है। प्लीज़ वेट की उसने ऑप्शन दे दी यहाँ पे। तो वैसे तो इतना टाइम नहीं लेता। मेरा ख़्याल है इसका आईपी मेरे ख़्याल में इसका मैंने चेंज नहीं किया हुआ था। अभी आपको इसका आईपी चेंज करने के बाद मैं दोबारा इसको ऐड करके दिखाऊंगा। ट्राई करके देख लेते हैं दोबारा। शायद अभी ऐड नहीं होगी। इसका आईपी ही चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल कि आईपी चेंज करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका आईपी जो कि मॉडिफाई नहीं किया गया, यहाँ पर आईपी वैसी ही चल रहा था जो डिवाइस ने इसको दिया हुआ था। इसको अब हम स्टैटिक आईपी अपनी तरफ से देंगे जो कि डिवाइस के साथ ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो उसके बाद डिवाइस एक्सेस करेंगे, डिवाइस एक्सेस हो जाएगी यहाँ। तो चलते हैं अब अपने दोबारा सॉफ्टवेयर की तरफ। आपको दोबारा ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पर सेम वही अपना सेशन कोड हम डालेंगे। सेशन कोड लिखने के बाद हम इसे नीचे जो होगा वो स्टैंड डिवाइस को जो डिवाइस टाइप का है स्टैंड अलाउन कर देंगे। तो उसके बाद इसका आईपी डालेंगे तो फिर देखते हैं ये ऐड होती है या नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर ऐड हो जाएगी अभी, क्योंकि इसका हमने आईपी जो कि चेंज ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें ये डिवाइस ऐड हो चुकी हुई है। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ओके करके। ये डिवाइस के अंदर जो मैंने अपना एक मेंबर ऐड किया था वो मैंने अपने आप को वो यहाँ पर वो एक मेंबर शो करवाएगा कि एक मेंबर मैंने ऐड कर लिया हुआ है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है सेटिंग इसकी। ये कुछ डिवाइसेस जो कि टोटल मेरे ख्याल 5 से 6 डिवाइसेस हैं जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो अभी आए जी ये हमारी डिवाइस ऐड हो चुकी है। इसके अंदर से बाकी आप इंफॉर्मेशन अगर निकालना चाहेंगे ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। एक मेंबर इसके अंदर ऐड है। तो उसके बाद बाकी इसके अंदर कुछ छोटी सेटिंग होती है जो कि इंस्टॉल उसको बैकअप करने के लिए। तो वो आप जब इंस्टॉल कर लेंगे वो आप ख़ुद इसको समझ लेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर आपको इसके अंदर मुश्किल आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, आपकी भरपूर रहनमाई की जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारी पर्सनल्स के अंदर जो कि हमारा वो एक ऐड किया था वो आ गया। यहाँ पर जाके आप अपना उस मेंबर का नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना यहाँ पर इमरान ऐड करूँगा, इमरान अली। और सेकंड मैं अपना मोबाइल नंबर। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि डिवाइस के अंदर ज़ीरो की ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप एक वन ऑप्शन दे के उसके आगे आप नंबर कोई भी अपना दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सुपर एडमिन या उसको सिंपल मेंबर बनाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सुपर एडमिन का वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुपर एडमिन का क्या उसका होता है तरीका का। तो
लें जी यार, दो हम याद रखिएगा जी।